प्रेमी ने की प्रेमिका की हत्या, 5 बच्चे हुए अनाथ, बीमारी के चलते पति की हुई थी मृत्यु, बेटी ने अस्पताल पहुंचकर की पहचान। शिवपुरी जिले में हत्याओं के मामले में इजाफा होता जा रहा है। पुलिस ने हाल ही में हुई 2 हत्याओं की गुत्थी सुलझा दी है। बीते रोज एक महिला की पत्थर पटक कर हत्या कर दी गई थी। दरअसल मौती थाना अंतर्गत पार्टी घाट पर एक खून से लथपथ महिला घायल अवस्था में मिली थी। अज्ञात महिला के सिर पर पत्थर पटक कर उसकी हत्या करने का प्रयास किया गया था। अज्ञात महिला को इलाज के लिए पहले मनपुरा स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहाँ उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे शिवपुरी रेफर कर दिया गया। महिला के जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। बताया गया है कि मृतका का गांव के एक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। लापता हुई मां की तलाश करते हुए महिला की 18 वर्षीय बेटी जिला अस्पताल पहुंची। उमरीकला की रहने वाली मुस्कान लोधी ने बताया कि उसकी मां बीते शनिवार को सुबह 11 बजे घर से खेत जाने का कहकर निकली हुई थी। इसके बाद वह शाम तक नहीं लौटी। जब तलाश किया तो पता चला था कि किसी महिला के सिर पर पत्थर पटक कर मारने का प्रयास किया गया है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस तो घायल महिला उसकी मां निकली, जिसकी रात्रि में मौत हो गई थी। मुस्कान परियार, ग्राम उमरी कला। आपकी माँ की हत्या हुई है, किसने क्या किया, ये पूरा मामला क्या था? मम्मी की हत्या शिव कुमार लोधी ने की है और दउआ लोधी ने, दोनों थे। दउआ लोधी आया तो सुबह 11 बजे घर में मम्मी की, वो शिव कुमार की मम्मी से बात कराने। शिव कुमार बोलता है कि मम्मी को बोलना कि मतलब पिछोर में आ जाए। शिव कुमार गाँव में रहता था पर वो डर के कारण पिछोर चला गया था हमारे, तो बोलता है कि मम्मी से बात करो। तो मम्मी बोलती है मैं नहीं जा रही हूँ अभी, बोलते मम्मी को बोलते कि तू आज वहीं पे। मम्मी बोलती मैं अभी नहीं जा रही, मेरी फल्ली अली पट रही है, मैं अभी नहीं जाऊँगी बोलते। तो वो दूसरी बार फिर आया दउआ की बात कराने मम्मी से, तो मम्मी रोने लगी कि नहीं तू चल बोलते वहाँ पे, नहीं तो तेरी लड़की को कुछ भी कर दूंगा या फिर तेरे को मार डालूंगा बोलते। तो फिर मम्मी गुस्से के कारण खेत पे चली गई कि तू बोलते रहे जो बोलना है, वो तो आता ही रहेगा बार बार। फिर वो तीसरी बार जब मम्मी चली गई तो मैं अकेली थी घर में। तीसरी बार फिर शिव कुमार आया तो उसने मेरे साथ हाथापाई की, बोलते अगर मम्मी नहीं जा रही है तू चल बोलते मेरे साथ, तू रहना वहीं पे, मम्मी को नहीं जाने दे रही है। तो फिर यहाँ पे वो मेरे साथ हाथापाई करके मेरे पैर में पत्थर पटक के चला गया और फिर मम्मी का उधर जाके मर्डर कर दिया। आपको जानकारी कैसे लगी मां को? जानकारी ऐसे लगी कि गांव में बहुत सारे लोग थे, उन्होंने बताया कि मम्मी मतलब वहाँ पे एक औरत एक्सपायर हो गई है, डली हो गई। वो कहाँ है, कौन सा गाँव है ना, वो पाटी घाट का ही। तो शिव कुमार ने आपसे भी कोई बात की थी क्या? हाँ की थी। कब की थी, किस प्रकार की बात की थी? बोलते मम्मी नहीं जा रही है तो तू रह मेरे साथ, जैसे मम्मी रहती थी वैसे रह मेरे साथ। बोला था कैसे? नहीं सामने आकर बोला था। घर पे तो सिर्फ दउआ ही आया था? अरे बाद में तीसरी बार आया था वो घर में, दो बार दउआ आया, दो बार मम्मी चली गई फिर खेत पे, फिर तीसरी बार वो मुझे धमकी देने आया था कि मम्मी नहीं जा रही है तो तू चल। हाँ शिव कुमार, तो मैंने कही मैं नहीं जाऊंगी, तो फिर हाथा पाई उसने मेरे पैर पर पत्थर पटक दिया, भग गया। संबंध कितने सालों से थे? 2-3 साल से। पिताजी वगैरह? नहीं पिताजी थे तो खत्म हो गए थे 5 साल पहले।